हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बैंगन के भरते की रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो घर में ट्राई ज़रूर करिएगा, और रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि आपने घर में रेसिपी ट्राई की। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले भूनेंगे बैंगन, और बैंगन को भूनने से पहले उस पर लगा देंगे ऑयल, जिससे कि जो बैंगन के ऊपर की परत होती है वो अच्छे से हट पाए बैंगन भूनने के बाद। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मैंने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है, जिससे कि हमारा जो बैंगन है वो अच्छे से कुक हो पाए। और मैं अलट पलट कर सारी ही साइड से बैंगन को भूनूंगी, और जैसे ही हमारा बैंगन भून जाएगा फिर मैं इसके ऊपर की परत को हटा दूंगी, और उसके बाद हम लोग करेंगे अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट। तो बैंगन के भरते में सबसे पहले हमें यही काम करना होता है, पहले हम लोग हैं बैंगन, और बैंगन भुनने के बाद उसकी जो परत होती है उसको कर देते हैं सेपरेट। यहाँ पर हमारा बैंगन भुन चुका है, और हम लोगों ने ले ली है यहाँ पर कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डालूंगी मैं सरसों का तेल, आप लोग और किसी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ले ली है यहाँ पर 2 मीडियम साइज प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप किया था, और अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी उसके बाद हम लोग डालेंगे अपने टमाटर। मैंने 2 मीडियम साइज ही टमाटर लिए हैं, उनको भी बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं डाल दूंगी इसमें अपने टमाटर। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, आप लोग देख ही पाओगे। अब हम लोग डाल देंगे इसमें टमाटर, और टमाटर भी मैंने 2 ही लिए हैं, मीडियम साइज टमाटर लिए थे जिनको बारीक चॉप किया है। अब मैं इसमें अपने टमाटर डालूंगी, और टमाटर के साथ ही मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट भी। 1 चम्मच में डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 ली हैं जिनको बारीक चॉप किया है, क्योंकि हरी मिर्चें इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आती हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से भून लूंगी, और फिर हम लोग डालेंगे इसमें अपने बेसिक से कुछ मसाले। ज़्यादा कोई मसालों का इस्तेमाल मैं इसमें नहीं करने वाली हूँ, बेसिक से ही मसाले हैं जो कि हमारी रसोई में पाए जाते ही हैं। नॉर्मल मिडिल क्लास किचन में जो भी मसाले होते हैं मैं वही मसालों का इस्तेमाल करने वाली हूँ बैंगन के भरते में। आप लोग देख सकते हो टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची आपस में अच्छे से भुन चुकी है। अब हम लोग डालेंगे इसमें बेसिक से कुछ मसाले। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे नमक। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, आप लोग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर हमने ले ली है 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में हमने लिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच लेंगे हम लोग किचन किंग पाउडर। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही मैं बेसिक से मसाले ही इस्तेमाल करने वाली हूँ बैंगन के भरते में, तो ये कुछ मसाले हैं जो कि हम सभी की किचन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसिक से कुछ मसाले ही इस्तेमाल किए हैं बैंगन के भरते में, और अब मैंने ले लिया है थोड़ा सा पानी। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। सभी मसाले जब तक अच्छे से ऑयल सेपरेट नहीं कर देंगे तब तक मैं मसालों को भूनूंगी। जैसे ही हमारे मसाले भून जाएंगे वैसे ही मैं इसमें डाल दूंगी अपने बैंगन जो कि हमने पहले से ही भून कर रखे थे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने बैंगन डाल दिए हैं। अब मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी। जब तक हमारे बैंगन मसालों के साथ अच्छे से भून नहीं जाएंगे तब तक मैं इसको चलाती रहूंगी। फिर हम लोग इसको थोड़ा ढककर रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और बीच बीच में हम लोग इसको चलाते रहेंगे जिससे कि हमें पता चल पाए हमारे बैंगन का भरता बनने में अभी कितनी देरी है। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन को ढक दिया है, गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं बीच बीच में बैंगन के भरते को चलाकर देख भी रही हूँ हमारे बैंगन के भरते में कितना टाइम है बनने में अभी। तो यहाँ पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा 2 से 3 मिनट का, तो मैं वापस से ढक्कन को ढकूंगी, और फिर देखते हैं 2 से 3 मिनट बाद हमारा बैंगन का भरता बनकर हो जाएगा रेडी। फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ हमारा बैंगन का भरता कैसा बना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैंगन का भरता बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद, और इसके ऊपर डालूंगी अपना बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि बैंगन के भरते का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है अपना हरा धनिया, और मैं इसको अच्छे से चला दूंगी। और आप लोग देखिए हमारा बैंगन का भरता बनकर हो चुका है रेडी। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ घर में ट्राई ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। तो चलिए गाइज, अब हम लोग मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।